सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 27 की 13 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आखर भी इसक बिना हुआ न काहू सुख, सो इसक क्यों छोड़िए जो रसूले कहया आप मुख। अंत में भी प्रेम के बिना किसी को भी अखंड सुख प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए ऐसे प्रेम को कैसे छोड़ा जाए जिसका वर्णन रसूल ने स्वयं अपने मुख से किया है। अव्वल जो रसूले कहया आखर सोई परवान, इसक साचा हक का और आग सब जान। रसूल ने पहले ही जो भविष्यवाणी की थी अंत समय में वह सत्य सिद्ध हुई है। उन्होंने उस समय यह बताया था कि परब्रह्म परमात्मा का प्रेम ही वास्तव में सत्य है, अन्य सब कुछ अग्नि के समान दाहक है। जब खसम काजी हुआ तब ना ही दुखिया कोए, महमद मेहर कराव ही सब पाक हुए दिल धोए। जब स्वयं परमात्मा न्यायाधीश होकर प्रकट हुए हैं तब कोई भी दुखी नहीं रह पाएगा। स्वयं रसूल मोहम्मद कृपा पूर्वक सबकी अनुशंसा करेंगे, तब सभी लोग ब्रह्म ज्ञान से हृदय को निर्मल कर पवित्र हो जाएंगे। रसूल बड़ा सबन्न में जिन हक की दई खबर, कहया मासुक का सब हुआ आई कजा आखर। सभी पैगंबरों में रसूल मोहम्मद सबसे बड़े इसीलिए माने गए हैं कि उन्होंने परमात्मा के प्रकट होने का समाचार दिया है। परमात्मा के प्रिय के कथन सभी सत्य हुए, अब तो अंतिम न्याय का दिन आ पहुंचा है। तारीफ रसूल की तो करूं जो इन जिमी का होए, या ठोर बात जो नूर पार की कबहु न बोलिया कोए। रसूल की प्रशंसा तभी संभव होगी तब जब वे इस स्वप्न जगत के हों। इस संसार में आज तक अक्षर ब्रह्म के पार की बात किसी ने भी नहीं कही है। यह शुद्ध पार के पार की किन मुख ना निक से दम, बुजर की महमद की करत जाहिर खसम। आज तक किसी ने भी जगत के पार अक्षर ब्रह्म और उनके पार अक्षरातीत ब्रह्म की बात नहीं की। यह रसूल मोहम्मद की महत्ता है कि उन्होंने परमात्मा के विषय में स्पष्टता की है। मोहम्मद दीन की पहचान काहू होती न एते दिन, ना पहचान कुरान की ना तो देख थके कई जन। आज तक किसी को रसूल मोहम्मद तथा इस्लाम की पहचान नहीं थी और न ही किसी ने कुरान की ही पहचान की है। वैसे तो कई लोग कुरान को पढ़कर थक गए हैं। पहले ए सस्ती होती मुस्लिम दिन कुरान, पीछे अति पछताए सी पर क्या जाने कुफरान। कुरान के गुड़ रहस्य स्पष्ट होने से पूर्व रसूल द्वारा निर्देशित धर्म तथा कुरान का विशेष महत्व लोग नहीं समझ रहे थे। अब यह स्पष्ट हो जाने से भविष्य में ये लोग पश्चाताप करेंगे। वैसे भी ये स्वप्न के ही जीव हैं, सत्य को कैसे समझते।
सो पहचान अब होए सी, करसी साफ दुनी दिल। किताब याही रसुल की, सुख ले सी सब मिल। अब तारतम ज्ञान के प्रकाश में सबको इसकी पहचान हो जाएगी और सारे जगत के लोगों के दिल के संशय भी दूर हो जाएंगे। इस प्रकार कुरान के अर्थ स्पष्ट हो जाने से सभी लोग मिलकर आनंद का अनुभव करेंगे। शब्द रसुल के पसर सी, तीन फिर सी बैराट। अकस सबो का भान सी, सब चल सी एक बाट। तारतम वाणी द्वारा जब रसुल साहेब के शब्दों के रहस्य चारों ओर प्रकट हो जाएंगे, तब सबके दिलों में भरी हुई शंकाएं दूर हो जाएगी एवं सबके हृदय भी निर्मल हो जाएंगे और सभी लोग एक ही सत्य मार्ग पर मिलकर चलेंगे। छोड़ गुमान सब मिलसी, ए जो देखत हो जहान। जात पात ना बांत कोई, एक खान पान एक गान। तब संसार के सभी लोग अपने अभिमान को त्याग कर एक रूप हो जाएंगे। सबकी जाति पाति वर्ण वर्ग और मत मतांतर रीति रिवाज तथा खान पान सब एक समान हो जाएंगे। साथ ही सब एक ही परमात्मा के गुणानुवाद गाएंगे। एही शब्द सुन जागसी, बड़ी बुद्ध होसी विचार। याही सदी आखर की, हक सुख देसी पार। तारतम ज्ञान के ये शब्द सुनकर संसार के सभी लोग जागरूक हो जाएंगे और इस महान बुद्धि पर विचार करेंगे। कुरान के अनुसार यही सदी आखिरी मानी जाएगी। इसी सदी में परब्रह्म परमात्मा परम धाम का अखंड सुख प्रकट करेंगे। नूर सबो में पसरया, सो कहूँ सब सनंद। याही शब्दों बीच का, उड़ जासी बंध फंद। तारतम ज्ञान का यह प्रकाश किस प्रकार सर्वत्र फैल गया, अब मैं इसका भी विवरण कहता हूँ। इन्हीं शब्दों के द्वारा माया के सभी बंधन उड़ जाएंगे। प्रकरण 27, चौपाई 931। सुंदरसाथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 27 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदरसाथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।